नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भगत सिंह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं, और प्रश्नों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर भगत सिंह ने मरने से पहले क्या बोला था, भगत सिंह की माँ विद्यापति ने शव लेने क्यों नहीं गई फांसी के बाद, और भगत सिंह के छोटे भाई का नाम क्या था, भगत सिंह ने फांसी से पहले अपनी माँ को क्या वचन दिया था, भगत सिंह को फांसी देने वाले जल्लाद का क्या नाम था, इन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर जो शुरुआत करेंगे भगत सिंह से रिलेटेड पहले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो भारत में 23 मार्च क्या है, भगत सिंह का जन्मदिन, और इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि शहीद दिवस जो 4 अल्टरनेटिव पे दिया गया है चौथे विकल्प में पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना चाहेंगे कि 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस जाता है। इसी दिन भगत सिंह और जो है शिवराम, जो है राजगुरु, सुखदेव, ये जो आप तीनों मित्र थे, 1991 में लाहौर षड्यंत्र में केस में ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। तो पहले क्वेश्चन की हमने इम्पोर्टेंट तथ्य और क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन है कि हम शहीद दिवस क्यों मनाते हैं। तो पहले अल्टरनेटिव आपका दिया गया है कि क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए, यही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग फर्स्ट ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो उसे आप थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र जो केस आपका दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों भगत सिंह और उनके सहयोगी राजगुरु और सुखदेव को जो है लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी पर लटकाया गया था, और ये जो मामला था दोस्तों वो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत था। अच्छा, क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च यहां पर 1971 दिया गया है, और 24 मार्च 1971, 23 मार्च 1931 जो आपका दिया गया है सी अल्टरनेटिव में पूरी तरह से राइट आंसर होगा। आपको बताना चाहेंगे कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया था। दोस्तों अगर टाइम की बात करेंगे 7:30 पर जो है फांसी दी गई थी, तो आप इस बात को भी यहाँ पर याद करके रखें। उसे आप अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे, भगत सिंह को स्पेस की उम्र में फांसी दी गई थी, उनकी एज क्या थी जब उन्हें फांसी दिया गया था। तो 23 साल 19 साल 24 साल 27 साल 23 साल आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 23 साल की एज में भगत सिंह को फांसी दिया गया था। तो अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, भगत सिंह को 18 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्पेस स्थापित की गई थी। तो भारत की संसद जो आपका दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना चाहेंगे कि 15 अगस्त 2008 को भारत की संसद में भगत सिंह की प्रतिमा जो 18 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा थी उसको इस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो इंदिरा गांधी और जो सुभाष चंद्र बोस नेता जी की मूर्तियां बनाई गई थी उनके बगल में इसको भी इस्टेब्लिश किया गया। तो इस महत्वपूर्ण जो है जानकारी को भी आप माइंड में रखें कि सवा टाइमिंग क्या था जब भगत सिंह की 18 फुट ऊँची कांस्य प्रतिमा को भारत की संसद में इस्टेब्लिश किया गया, और किनके बीच में किया गया, इंदिरा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में। तो ये दोस्तों अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक भगत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई है। तो अल्टरनेटिव फर्स्ट दिया गया है कि मैं नासिक क्यों हूँ पहला अल्टरनेटिव, दूसरे की बात करेंगे जेल डायरी और अन्य लेख दिया गया है, और तीसरे अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों युवा राजनीतिक जो है कार्यकर्ताओं के लिए, और चौथे अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो जेल डायरी लिखा गया है। आपको बताना चाहेंगे कि तीनों पुस्तकें फर्स्ट सेकंड थर्ड अल्टरनेटिव जो दिया गया है भगत सिंह द्वारा जेल में लिखी गई है। अगर हम डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा, मतलब कि जेल डायरी जो लिखा गया था दोस्तों वो जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया था, ना कि भगत सिंह द्वारा
लिखा गया था। तो डी अल्टरनेटिव आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो भगत सिंह के जीवन पर बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी। अल्टरनेटिव आपका दिया है शहीद ए आज़ाद भगत सिंह, जो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्त पहली मूवी बनने वाला जो था उसका नाम कुछ इस तरह से था। आपको बताना चाहेंगे कि 1954 में उनकी मृत्यु के 23 साल बाद जो है ये फिल्म को बनाया गया था, जो कि भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी टोटल। और इसमें फिल्म में एक जो सॉन्ग था दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया था, उस समय बहुत पॉपुलर हुआ था। तो प्रश्न के साथ हमने ये महत्वपूर्ण पॉइंट को भी जिक्र किया, वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चूँकि दोस्तों यहाँ पर हम अगले महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन के बाद जो है हम और यहाँ पर महत्वपूर्ण भगत सिंह से रिलेटेड पॉइंट को जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि एग्जाम की दृष्टि से और जानकारी के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। प्रश्न है कि भगत सिंह ने मरने से पहले क्या बोला था। आपको बताना चाहेंगे कि भगत सिंह देश के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं दोस्तों। फांसी से पहले भगत सिंह ने अपनी माँ से आखिरी बार मिले और उन्होंने अपनी माँ विद्यावती से क्या बोला। आगे यहाँ पर दिया गया है कि मेरे शव लेने आप नहीं आइएगा, और जो छोटा भाई उनका, जो भगत सिंह का छोटा भाई कुलवीर था, बोले थे उसको आप भेज दीजिएगा, क्योंकि यदि आप आएंगी तो रो पड़ेंगी और मैं नहीं चाहता कि लोग यह कहें कि भगत सिंह की मां रो रही है। तो ये पॉइंट था दोस्तों, इसीलिए भगत सिंह ने अपनी मां को इनकार कर दिया था कि आप सौ लेने मत आइएगा। दोस्तों यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण जो है पॉइंट की अगर बात करेंगे तो भगत सिंह का नारा क्या था। नारा तो सब जानते हैं दोस्तों, लेकिन इस पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसको जान लें कि इंकलाब जिंदाबाद जो भगत सिंह का नारा था दोस्तों, भगत सिंह ने अपनी माँ को एक वचन दिया था। वचन की बात करेंगे तो देश के लिए वे फांसी के तख्त से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। ये वचन अपनी माँ को उन्होंने दिया था कि जब हम अंतिम समय पर होंगे तो इस वर्ड को बोलेंगे, जब हम जो है फांसी के तख्त पर होंगे। तो अगले महत्वपूर्ण तथ्य की यहाँ पर बात करेंगे, भगत सिंह को फांसी देने वाले जल्लाद का नाम क्या था। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, उनके परदादा लक्ष्मण सिंह थे, जो उस समय अंग्रेजी हुकूमत के शहीद यहाँ पर भगत सिंह को फांसी दी थी। और आपको बताना चाहेंगे कि उनके दादा जो कालू राम थे, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे को भी और यहाँ पर फांसी दिया था। और जो है ये पुश्तैनी उनका काम था और इन्होंने कंटिन्यूटी करना जो है जारी रखा था। और ये जो प्रश्न आपका था कि जल्लाद का नाम क्या था दोस्तों, तो कालू राम करके था। अब दोस्तों यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करेंगे तो 23 मार्च 1931 इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। तो सारे लोगों को इस बात को अच्छी से पता होगा दोस्तों कि असेंबली में बम फेंक करके भी भागने से मना कर दिया था भगत सिंह ने, और जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें 23 मार्च 1931 को दो अन्य सहयोगी साथियों के साथ, राजगुरु और सुखदेव के साथ, उन्हें फांसी पर लटकाया था। तो इस बात को भी इम्पोर्टेंट बात होती है कि 23 मार्च 1931 को जो इतिहास है दोस्तों, असेंबली में बम फेंकने के बाद भी भगत सिंह ने नहीं भागे और उस चीज़ को डट करके उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके फलस्वरूप उनको फांसी दी गई थी।